हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लास। ठीक है, आज अपन पेपर फर्स्ट टास्क कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस का, वो है अपना क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो ये अपना एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ अपन क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले अपने को ये जान लेना ज़रूरी है कि क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली अपनी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं अपन, क्यों पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स अपनी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल की मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि अपना जो एक सिस्टम है वो सिस्टम अपना क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एवरी पार्टिकल, जब अपना कोई पार्टिकल मोशन में होता है उसकी मोशन को स्टडी अपन फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं वो ब्रांच अपने क्या कहलाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल। तो यदि अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अपन किस तरीके से दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एंड सॉरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल की मोशन को स्टडी करते हैं वो अपनी क्या होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स होगी। ठीक है, और ये अपनी सबसे पुरानी सबसे फंडामेंटल फिजिक्स है। ठीक है, यदि अपन यहाँ इसको बोले कि ये अपनी फिजिक्स की शुरुआत है तो वो भी अपने लिए गलत नहीं होगा। ठीक है, जहाँ से अपनी साइंस स्टार्ट होती है, फिजिक्स स्टार्ट होती है, तो वो वाली जो फिजिक्स है अपनी, वही अपनी क्या कहलाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसा अपने को नाम से ही पता चलता है, क्लासिकल मतलब पुराना। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पेपर है वो है अपना क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब अपन बात करें तो इसी क्लासिकल मैकेनिक्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक मैकेनिक्स को आप यूजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, वो अपना है मैकेनिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था, वहाँ पे अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पढ़े थे। दो टाइप के अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके अलावा वहाँ अपन ने पढ़े थे न्यूटन के लॉज को पढ़ा था, ठीक है, गैलीलियो को पढ़ा था। तो उन्हीं न्यूटन के लॉज के थ्रू अपन ने पार्टिकल या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल की मोशन को, उस पर लगने वाले फोर्स को, मास, एक्सेलरेशन आदि सभी चीज़ों को स्टडी अपन ने वहाँ पे किया था। ठीक है, तो इसी क्लासिकल मैकेनिक्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। फर्स्ट है अपना न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फर्स्ट अपना न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, इसको नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ इस वाली मैकेनिक्स में जो अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूटन का कंट्रीब्यूशन। न्यूटन ने जो फिजिकल लॉज अपने को दिए हैं, जो मैथमेटिकल मेथड्स अपने पास आए हैं, जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन के द्वारा दिए हुए,
वो उन सभी को अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यदि कहा जाए तो न्यूटन के जो लॉज है, न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन है, न्यूटन के सारे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है सभी है वो यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले मैकेनिक्स को अपन नाम देते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। और यहाँ जो अपन पढ़ने वाले हैं अपने एमएससी प्रीवियस में वो वाली मैकेनिक्स अपने लैग्रांजियन मैकेनिक्स। यहाँ जो अपन एमएससी प्रीवियस में पढ़ेंगे अपनी वो अपनी जो मैकेनिक्स है वो वाली मैकेनिक्स क्या है, लैग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अपन क्लासिकल मैकेनिक्स ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूजी वाले पार्ट में अपन पढ़ते हैं वो वाली मैकेनिक्स होती है अपनी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और यहाँ एमएससी में जो अपन पढ़ेंगे वो अपनी होगी लैग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो इन दोनों को अलग अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अपन क्या काम करते हैं कि अपन एक अपने पास पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनिशियली ये क्या है, रेस्ट में है। तो जब तक अपन यहाँ पे इस पे किसी तरीके का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो ये क्या रहता है, रेस्ट में ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये मोशन में आ जाता है, ठीक है। तो जब ये मोशन में होता है तो अपन न्यूटन के लॉज लगाकर इसकी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इसकी मोशन को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बेसिकली न्यूटन के लॉज को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ अपने को क्या काम करना पड़ता है, यहाँ सबसे पहले तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को यहाँ पे इसके लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, माना इसका मास अपने ने क्या है, यहाँ पे मास क्या है, इसका एम मास है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितने लगेंगे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अपन अपना इस तरफ लग रहा है, ठीक है। एक इसका मास एम है तो यहाँ पे एम जी फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, वो अपना रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। दूसरा फोर्स अपने पास होता है जिसको अपन एफ स्मॉल एफ डिनोट कर रहे हैं, वो अपना होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जो कि उसकी मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी को लेके अपन इसके लिए क्या कर लेते हैं, नेट फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब अपने पास फोर्स आ जाता है तो अपन इसके लिए एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, मोमेंटम यदि अपने को निकालना हो, वेलोसिटी अपनी आ जाती है, सारी चीज़ें यहाँ पे इसके लिए सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट एवरी टाइम किसी पार्टिकल के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स को इजी वे में निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं अपने को वहाँ पे उस किसी ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स को निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए जब यहाँ पे अपने पास ये वाली डिफ़िकल्टी जनरेट हुई तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास तीन साइंटिस्ट आए, ठीक है। वो साइंटिस्ट थे अपने पास लैग्रांज, दूसरा अपना डी एलम्बर्ट और तीसरा है हैमिल्टन, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके मैकेनिक्स की एक नई ब्रांच डेवलप की और वही मैकेनिक्स की नई ब्रांच अपने क्या कहलाई, लैग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है। और इसी लैग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है, तीनों साइंटिस्ट ने मिलके जो नई ब्रांच फिजिक्स मैकेनिक्स की डेवलप की थी वही ब्रांच अपनी क्या कहलाती है, लैग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ अपन अपने एमएससी प्रीवियस के जो फर्स्ट पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स उसमें अपन इन्हीं से रिलेटेड जो अपने पास मैकेनिक्स है उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जब लैग्रांज नामक साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था तो इसी के नाम पे इसको अपन क्या कहते हैं, लैग्रांजियन मैकेनिक्स। तो देखिए अपने को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है,
यहाँ पे सबसे पहले अपने को पढ़ना है, लैग्रांजियन डायनामिक्स। यहाँ पे अपन लैग्रांजियन डायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर होगा अपना, वो अपना रिलेटेड होगा लैग्रांजियन डायनामिक्स से। लैग्रांजियन डायनामिक्स, ठीक है, पहला जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना लैग्रांजियन डायनामिक्स। और इस वाले चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कांस्टेंट थर्ड अपन पढ़ेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसी में अपन पढ़ेंगे जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एसिलेशन एंड जनरलाइज्ड फोर्स। उसके बाद अपने पास होगा फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। देखो अभी तो तुम्हें केवल चीज़ों को नोट डाउन करना है, जब अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ अपना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, फर्दर अपने को स्टडी करना है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसी की हेल्प से अपने को लैग्रांज इक्वेशन को डिराइव करना है और इस पे बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स अपने पास आएगी वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सिक्स्थ अपना होगा लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को अपन यहाँ अपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट अपन को कहाँ से करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है। फर्स्ट अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो वो सब चीजें अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन को समझने के लिए, इस वर्ड को समझने के लिए अपने को सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए अपना कोई पार्टिकल है, ठीक है, ध्यान से समझना है अपने को कि अपना कोई पार्टिकल है, ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो वहाँ पे
यदि वो फ्री स्पेस में अपना सिचुएट है तो ये अपना पार्टिकल है, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम अपन यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये अपना कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल है, ये अपना एक्स एक्सिस होगा, ये अपना वाई एक्सिस होगा और ये अपना जेड एक्सिस होगा, ठीक है। थ्री डायमेंशन में अपना ये पार्टिकल है, तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तीन कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। कि ये अपना कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल है, लेट पी से अपन इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे तीन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यदि इसको ऐसे बोले कि द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल दैट आर required to specify the position of particle is called degree of freedom, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल की पोजिशन को बताने के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई है? तीन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। यहाँ पे इस पार्टिकल की स्टेट को कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब कर रहे हैं? तीन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? तीन। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तीन होगी, ठीक है। यदि अपना पार्टिकल केवल 2D में है तो वहाँ 2D में पार्टिकल को डिनोट करने के लिए अपन कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं? दो। तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? उसकी दो होती है, ठीक है। और केवल अपना पार्टिकल 1D में है तो 1D में केवल अपन एक कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, तो इस केस में अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? वन होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन की यदि अपन बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन की अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन को अपन लिख सकते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स दैट आर required to that are required to specify the position of that are required to specify the position of particle in a dynamical system, in a dynamical system is called degree of freedom, is called degree of freedom, जिसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं DOF, ठीक है। तो डेफिनेशन से क्या समझ में आया है कि किसी भी डायनामिकल सिस्टम में जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल अपने पास है, उस सिस्टम में पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए अपने को जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है? अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन वाला पार्ट अपना हो गया। एग्जाम्पल यदि अपन इसके लिए देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल अपना वही होगा, एक अपना पार्टिकल है फ्री स्पेस में अपना मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं? तीन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास कितने होंगे?
तीन होंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ए पार्टिकल पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन द स्पेस, देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस पार्टिकल इज थ्री। ठीक है, इस पार्टिकल के लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तीन होती है। ठीक है, सेम यदि अपन क्या करें, दो पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं कि अपने पास उसी स्पेस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? दो नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, तो वहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास क्या हो जाती है? तीन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, तो अपने को एक पार्टिकल के लिए चाहिए, और तीन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो जाएंगे? दूसरे पार्टिकल के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन और तीन दोनों को मिला के अपने पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है? छः आती है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल अपना हो जाएगा, टू पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन द स्पेस then then the required number of coordinates are x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दीज पार्टिकल्स आर 6। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास क्या है? दो है, दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन ने यहाँ पे लिए हैं, तो दोनों के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है? छह नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की। तो दोनों पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? छह हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं कि अपने पास सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास कैपिटल एन, तो वहाँ पे उन एन पार्टिकल सिस्टम के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, 3n। तो नेक्स्ट अपन एग्जांपल को अपन लिख सकते हैं, इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एन पार्टिकल्स देन द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सिस्टम विल बी 3n। ठीक है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी अपने पास, 3n, और कैपिटल n यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यदि अपना अपने पार्टिकल्स टू डाइमेंशनल स्पेस में है तो वहां पे अपना फॉर्मूला क्या आता है, 2n। इफ पार्टिकल्स आर इन टू डी स्पेस then degree of freedom will be degree of freedom will be 2n। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास वही कैपिटल n पार्टिकल होगा ऊपर, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉर्मल अपने पास हो गया है। तो यदि अपन डेफिनेशन को रिवाइज करना चाहें तो डेफिनेशन अपने पास है कि किसी भी सिस्टम में अपने पास पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वही अपना क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस सिचुएशन में अपन ने डिस्कस किया है, जब अपने पास सिस्टम पर या पार्टिकल के मोशन पर किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन, किसी तरीके की कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अपना जो पार्टिकल है फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में अपने पास जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आते हैं वही अपने क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि यदि अपन क्या कर दें, पार्टिकल पर कोई कंडीशन अप्लाई कर दे, कोई रेस्ट्रिक्शन अपने पास हो, तब वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है। ठीक है, वो अपने को देखना है, और वो जो कंडीशन अपन ने लगाई है वो क्या कहलाती है, दैट इज कहने का है कि अपन यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम में किसकी तरफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ से अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम से किसको समझेंगे, कंस्ट्रेंट को। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे अपने पास सिस्टम पर कोई किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, जबकि अपन बात करें कंस्ट्रेंट की, तो जब अपन सिस्टम पे किसी तरीके की कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, कोई प्रतिबंध अपना सिस्टम पर होता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी स्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, अपने रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में अपने को जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपने को मिलते हैं वही कोऑर्डिनेट्स अपने क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, जब अपन ने स्टार्टिंग में चैप्टर को लिखा था कि अपने को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो अपने पास था कि सबसे फर्स्ट अपने को डिस्कस करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, देन अपन बात करेंगे कंस्ट्रेंट की, और उसी कंस्ट्रेंट के बाद में अपन किसको पढ़ेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्टली अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ लेना है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से हो गया अपना, फिर अपना कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट से अपने को कहाँ जाना है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट अपन जब यहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन की तरफ जाएंगे, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन को समझेंगे, तो वहाँ पे अपने को जनरलाइज कोऑर्डिनेट ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैग्रांजियन इक्वेशन तक जाने के लिए अपने को जनरलाइज कोऑर्डिनेट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टेंट क्या होती है अपनी। तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट देखिए, कॉन्स्टेंट की अपने पास डेफिनेशन होती है कि यदि अपन सिस्टम पे कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, तो वही लिमिटेशन जो होती है वही क्या कहलाती है, अपनी कॉन्स्टेंट कहलाती है, ठीक है। और इस कॉन्स्टेंट के केस में क्या हो जाता है, अपने पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो जाते हैं। तो डेफिनेशन अपने पास है, द लिमिटेशन the limitation or condition imposed on motion of system is called कॉन्स्टेंट। सिस्टम की मोशन पे किसी तरीके की कोई कंडीशन लगा देना, किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा देना ही अपने पास क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट कहलाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी अपन देख सकते हैं, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ठीक है, सिस्टम पे किसी तरीके की जो कंडीशन, किसी तरीके की कोई कंडीशन हो, किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन हो, वही अपने पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब सिस्टम पर अपने पास कोई कॉन्स्टेंट लगी हुई होगी, किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, उस केस में अपने पास उस पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि अपना कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्कस किया था वो था अपने पास ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन द स्पेस, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर 3, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3। वहाँ पे उस वो पार्टिकल अपना स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा था, किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी, तब वहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन को दिखाने के लिए अपन ने कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स काम में लिए थे, 3 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स काम में लिए थे, ठीक है। अब अपन ने पार्टिकल पे कंडीशन अप्लाई कर दी कि पार्टिकल जो है वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल है या तो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है या फिर जेड डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जाने में अपन ने उस पर क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। तो जब पार्टिकल की पोजीशन को अपन दिखाएंगे, उसके स्टेट को अपन डिफाइन करेंगे, तब वहाँ पे अपने पास केवल कितने कोऑर्डिनेट आएंगे, 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स अपने पास बचे हैं,
ये कोऑर्डिनेट्स ही अपने क्या कहलाते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन को अपन यहीं से समझ सकते हैं कि जब सिस्टम पे कांस्टेंट अप्लीकेबल हो, जब सिस्टम पे कांस्टेंट लगी हुई हो, तब उस सिस्टम के पार्टिकल्स की स्टेट को बताने के लिए, उस डायनामिकल सिस्टम के पार्टिकल की स्टेट को बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं, वही कोऑर्डिनेट्स अपने क्या कहलाते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यहाँ पे अपन बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन यही स्टडी करते हैं, द क्लासिकल मैकेनिक्स ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, अपना ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन में है, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करती है, उसकी मोशन को बताती है। ठीक है, तो जब अपना पार्टिकल मोशन में होगा, फिर अपने को देखना है कि इसमें कोई कंस्टेंट लगी हुई है, जब उसकी कंस्टेंट लगी हुई है, उस कंस्टेंट को अपने को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे वाई डायरेक्शन की तरफ अपने पास कंस्टेंट थी कि वाई डायरेक्शन में अपना पार्टिकल मूव नहीं हो सकता, तो वाई डायरेक्शन में जो नहीं हो सकता, तो वाई कोऑर्डिनेट को अपने को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि पार्टिकल की स्टेट बताने के लिए केवल अपन एक्स और जेड को काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब अपन इसकी यहाँ पे जो इस केस में यहाँ पे जो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, वही क्या हो जाएगी इसके लिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिंपल यदि अपन यहाँ पे किसका एग्जांपल लेके देखते हैं, सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम में अपने पास क्या है, सिंपल पेंडुलम को आपने सभी ने पढ़ा होगा, यूजी फर्स्ट ईयर में अपन ने सिंपल पेंडुलम को अच्छे से पढ़ा था, प्रैक्टिकल भी किया है इसका। सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट अपने पास क्या होता है कि ये अपने पास ये रिजिड सपोर्ट होता है, ये अपने पास स्ट्रिंग होती है, और इस स्ट्रिंग से अपन किसी मास पार्टिकल को या कोई ऑब्जेक्ट अपने पास, वो अपने पास हैंग है। ठीक है, तो इसकी लेंथ है अपने पास आर, इसकी लेंथ है अपने पास आर लेंथ की अपने पास ये स्ट्रिंग है, और इससे जो पार्टिकल अपने पास है, इसका मास कितना है अपने पास एम। अब अपन क्या करें कि इसको अपन ने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसको यदि अपन हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, तो ये पार्टिकल अपना यहाँ पे होगा, और डिस्प्लेसमेंट को अपन डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो जब अपन इस पार्टिकल को जो कि अभी अपना रेस्ट में है, इसको यदि अपन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ ले जाके जब अपन इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ इस पार्टिकल में क्या होने लग जाते हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ अपना पार्टिकल मूविंग फॉर्म में आ जाता है। तो इस मूविंग फॉर्म में इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए अपने को कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो कोऑर्डिनेट की, आर और थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस सिंपल पेंडुलम में अपन क्या कर दें, इस पे कंडीशन लगा दें कि इसके लिए जो आर वेरिएबल है, दैट इज़ यहाँ पे जो डोरी की लंबाई है अपने पास, ये क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, R इक्वल टू एल। ठीक है, तो इसका R कोऑर्डिनेट तो अपने पास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और केवल इसका क्या चेंज होगा अपने पास, थीटा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास क्या बचेगी, दो, सॉरी एक, वो होगी अपनी थीटा। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी अपने पास कितने होंगे, एक होगा थीटा। ठीक है, तो जब सिस्टम पर कंडीशन लगी हुई होती है, तब उसकी मोशन को बताने के लिए, उसकी स्टेट को बताने के लिए अपने पास जितने कोऑर्डिनेट अपन लेते हैं, वही अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और उसी को अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट बैठते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपका क्लियर होगा, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अपन इसको अच्छे से और